आचार्य प्रणाम। अशोक, इतनी रात गए तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? आचार्य, मैं आपको बताने आया था कि देवी के पिताजी विदिशा से बहुत ज्यादा धन संपत्ति स्वर्ण मुद्राएं भेजी है ताकि मैं युवराज के चुनाव में मंत्रियों और महामंत्रियों को सुशीम से 10 गुना अधिक धन दे दूं, उन्हें खरीद लूं ताकि युवराज पद के लिए वो मुझे ही चुने। सुशीम को मात देने का सारा इंतजाम कर चुकी है देवी। तो संपत्ति से शक्ति जीतने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, फिर तुम्हारे चेहरे पे शांति क्यों नहीं है? तुम्हें तो इस समय अपने राजकक्ष में होना चाहिए था, तुम यहां मेरी कुटिया में हो। मन शांत नहीं है, मन में शोक है। आचार्य, मैं प्रचंड शोक में देवी के संपत्ति से युवराज नहीं बनना चाहता हूं, मैं अपनी शक्ति से सिंहासन चाहता हूं। चाणक्य नीति, तो योजना क्या है? योजना बन भी गई है और शुरू भी हो गई है। अब बस यही चाहते कि जो तीर चला है वो निशाने पे लगे, बस। सुनिए, मुझे राजकुमार सुशीम से मिलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं अभी राजकुमार से पूछ के आता हूँ। राजकुमारी कौरवकी जी, आइए, अंदर आइए। बैठिए। राजकुमारी कौरवकी जी, आप इस वक्त हमारे कक्ष में, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है राजकुमार। कहाँ आप इतने अच्छे और कितने सच्चे, और कहाँ वो चंड? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देखकर कि आपको नीचा दिखाने के लिए वो स्वयं कितना नीचे गिर गया है। देखिए अशोक, हमारे छोटे भाई, उनका पूरा हक है हमसे लड़ने झगड़ने का, वैसे ही बड़े भाई होने के नाते हमारा भी धर्म है उनको क्षमा करने का। क्षमा करिए राजकुमार, किंतु वो अधर्म कर रहा है, ऐसा धर्म जिसके लिए आप कभी उसे क्षमा ही ना कर पाए। केवल लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, अपराध कर रहा है। वो केवल आपका ही नहीं, पूरे मगध साम्राज्य का अपराधी है। ऐसा क्या कर रहा है अशोक? अशोक अपनी पत्नी देवी और अपने ससुराल से धन संपत्ति ले रहा है, और उस धन संपत्ति से वो राज दरबार के सारे मंत्रियों को खरीदेगा, वो मंत्री दल जो कल युवराज पद के लिए युवराज का चुनाव करने वाले हैं। अशोक को युवराज का पद जीतना है जो वो धन संपत्ति से जीतेगा। नहीं राजकुमार, ये मैं कैसे? अब तुम डरो मत, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, जो तुम करोगे इस राज्य की प्रजा और राज्य के कल्याण के लिए करोगे, मगध के मान के लिए करोगे। सारे कागज पत्र तैयार रखो, सुशीम किसी भी समय मांग सकता है, और तुम ही कागज पत्र उसे दोगे क्योंकि तुम सुशीम के खास सिपाही हो। बड़े ताज्जुब की बात है, वो विदिशा की देवी, धन की देवी, अपने धन के बल पर अशोक को युवराज बनाएगी, उस पर सारा धन लुटाएगी। उसने सोच भी कैसे लिया माँ कि वो हमें धोखा देगी? धोखा तो तुम अपने आप को दे रही हो डायना। क्या तुम पहले से ये नहीं जानती थी कि वो देवी केवल अशोक की पुजारन है, उसकी प्रेम पुजारन। उसे अगर अपना जीवन दे चुकी है तो सिंहासन की क्या बात है? अशोक के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि वो हमारी तरफ आ जाए ताकि उसकी धन संपत्ति सब हमारे हाथ में हो। नहीं, हमें देवी चाहिए, ना उसकी कोई संपत्ति चाहिए, ना ही हमें अशोक चाहिए, ना ही उसका कोई शोक चाहिए। ये सब क्या है सुशीम? दादी माँ, ये शपथ पत्र है जो हमने सारे मंत्रियों के साथ किया है, जिसमें ये लिखा है कल के युवराज के चुनाव के लिए वो अशोक को नहीं हमें चुनेंगे, जिसके लिए हमने उनको 10 गुना संपत्ति देने का वादा किया है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी, तुम्हें ऐसा लगता है इन कागज के टुकड़ों पे विश्वास करके मंत्रिमंडल तुम्हें चुनेंगे? दादी मां जरूर चुनेंगे, बस आप देखते जाइए, क्योंकि सारे मंत्री लोग ये जानते हैं कि सुशीम अपने वादे का पक्का है, अगर एक बार हम अपना वादा कर देते हैं ना तो उसको पूरा जरूर करते हैं। और हर कोई ये जानता है कि मगध साम्राज्य के अंदर अपार संपत्ति है, अगर एक बार हम राजा बन गए ना तो हम तो उनके लिए पैसों की बारिश कर देंगे, जिसको चाहे उतना धनवान बना देंगे।
और ना ही हमें देवी की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मगध जैसे महान साम्राज्य के सामने देवी की संपत्ति कुछ भी नहीं है। पहली बार बुद्धि की बात की बेटा। सुशील, तुम युवराज नहीं, सीधा राजा बन। मगध नरेश, सुशील की जय हो। देवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरवकी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कल के चुनाव की तैयारियां करनी है। मुझे कल के चुनाव के विषय में ही बात करनी है। बोलो। देवी, देखो मैं जानती हूँ कि अशोक ने तुम पे अपने प्यार का कोई तो जादू किया है, कोई तो झांसा दिया है तुम्हें, जो तुम अपने पिता की धन संपत्ति उस अशोक पे लुटा रही हो, मंत्रियों को खरीद रही हो उसे राज सिंहासन तक पहुँचाने के लिए। गौरवकी, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं अशोक को युवराज बनाने के लिए मंत्रियों को खरीद रही हूँ, उसे धन संपत्ति दे रही हूँ, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो किसी को कुछ पता ना चले। क्षमा करना देवी, तो मुझे डर लग रहा है। मैंने राजकुमार सुशील को तुम्हारे और अशोक के षड्यंत्र के विषय में सब बता दिया। क्या, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को तो धोखा दिया ही, तुमने अपने बचपन की सहेली को भी धोखा दे दिया। देवी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। धन संपत्ति से खरीदी हुई शक्ति कुछ दिन का आनंद देती है, जीवन भर का आनंद नहीं देती, जो सच्ची मेहनत देती है। गौरवकी, तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? मैं देख रही हूँ तुम आजकल मेरे जीवन में कुछ ज्यादा ही टांग नहीं अड़ाने लगी हो। आज तो तुमने हद पार कर दी है गौरवकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी सहेली हो या फिर मेरी शत्रु। शांत हो जाओ देवी, ठंडे दिमाग से सोचो, तब समझोगे कि मैंने जो किया है तुम्हारी अच्छाई के लिए किया है। देखो, यदि तुम अशोक से सच्चा प्यार करती हो ना, तो तुम उसे युवराज पद के चुनाव में नहीं भेजोगी, वरना उसका बहुत अपमान होगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, कि तो जब मुझे पता चला कि तुम और अशोक मिलकर ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो, तो मैं खुद को नहीं रोक पाई। देवी, दोनों बहुत गलत कर रहे हो। मंजिल तक जाने के लिए दौलत नहीं, दिल अच्छा होना जरूरी है। यदि दिल अच्छा होना तो युवराज का पद तो क्या, दुनिया जीती जा सकती है। महाराज, बिंदुसार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो राजहित के लिए हम ये चुनाव कर रहे हैं। आज इस राजसभा में महाराज बिंदुसार के सारे मंत्री मिलके मगध राज्य का युवराज चुनेंगे। इस पद के दो दावेदार हैं, महाराज बिंदुसार के पुत्र राजकुमार सुशील और राजकुमार अशोक। आपके सामने जो दो झंडे दिखाई दे रहे हैं, सफेद झंडा राजकुमार अशोक का है और पीला झंडा राजकुमार सुशील का है। अब एक एक करके सारे मंत्री जाएंगे और युवराज पद के लिए अपना अपना मत देंगे। जिस राजकुमार को सबसे अधिक पद मिलेंगे, वही आज इस राज सिंहासन पर युवराज पद के लिए चुने जाएंगे। किंतु राजकुमार अशोक अभी तक इस राजसभा में नहीं आए हैं, तो हम एक पहर उनकी प्रतीक्षा करेंगे, उसके पश्चात ही मतदान करेंगे। यदि एक पहर के पश्चात भी राजकुमार अशोक इस राजसभा में नहीं आए, तो इस पद के लिए उनकी दावेदारी खंडित कर दी जाएगी, तो राजकुमार सुशील को मगध का युवराज घोषित कर दिया जाएगा। माँ, भैया कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? मुझे नहीं पता आनंदी, अशोक कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक? देवी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि मेरे कहने पर अशोक को सच्चाई का आईना दिखा दिया। यदि वो यहाँ पर आ जाता तो न जाने उसका कितना अपमान होता। तुमने उसको अपमानित होने से बचा लिया है। लेकिन मुझे गलत मत समझना,
भले ही मैं अशोक के उसके मन और मनसूबों से सहमत नहीं हूँ, किंतु मैं उसका बुरा भी नहीं चाहती। गौरवकी, तुम कितनी भोली हो, महान होकर भी तुम कितनी नादान। मतलब तुम्हें क्या लगा कि अशोक अपनी किस्मत को इतना बड़ा धोखा देगा, अशोक युवराज बनने का इतना अच्छा मौका छोड़ देगा? अपमान के डर से वो इस भरी सभा में नहीं आएगा और राज सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं दिखाएगा? तुम्हें जो लगता है वो गलत लगता है, क्योंकि तुम अभी अशोक को अच्छे से जानते नहीं हो। शांत हो जाइए, हमें एक पहर तक राजकुमार अशोक का इंतजार करना था, हमने किया। अब एक पहर समाप्त हो चुका है, किंतु राजकुमार अशोक अभी तक नहीं आए, इसलिए युवराज पद के लिए अब राजकुमार सुशील। राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। देवी, ऐसा कैसे होने दिया तुमने? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उसे राज्यसभा में मत आने देना, तो क्यों आने दिया? युवराज का पद तो दूर, उसका कितना अपमान होगा तुम जानती भी हो। देखो, अभी भी समय है, भेज तो उसे वापस, मत आने दो राज्यसभा में। ये अपने चेहरे पर खुद ही नमक छिड़कने आया है, अपने हार की धूल चाटने आया है। ऐसे माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है, कुछ तो बोली। ये अशोक कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है जैसे इसकी हंसी में कोई रास छुपा हुआ है। सारे मंत्रियों को अशोक का प्रणाम। विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ, असल में आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, युवराज के सिंहासन का दिन, तो मैं अपनी पोशाक चुन रहा था। ऐसी कौन सी पोशाक पहनूं जिससे मैं राजकुमार दिखूं? राजकुमार अशोक कुछ क्षण और देरी से आते तो चुनाव से खंडित कर दिए जाते। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए चुनाव आरंभ कीजिए। अशोक कुछ तो गलत कर रहा है, कोई तो छल कर रहा है, और तुम्हें तो अवश्य पता होगा क्या षड्यंत्र रच रहा है, वो बताओ मुझे। बता दूं ताकि तुम फिर से मेरे अशोक की मेहनत, उसकी आस, उसका हर प्रयास बर्बाद कर दो? नहीं, देवी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उसकी दुश्मन के सामने उसका भेद खोल दे। तुम बस युवराज का स्थान देखो और मतदान देखो। हे भगवान, सुशीम तो हार गया। जीत हमेशा होती है बहुमत की, और आज के इस मतदान में बहुमत मिला है राजकुमार अशोक को।
मगध की प्रजा, मगध राज्य के नए युवराज राजकुमार अशोक का स्वागत कीजिए। राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की। कार्विकी, तुम्हें क्या लगा कि तुमने संजोग से अपनी किस्मत से अशोक को मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं देते हुए देखा? तुम्हें क्या लगा कि अशोक इतना नीचे गिर गया कि वो अपने ससुराल से संपत्ति लेकर मंत्रियों को खरीद कर युवराज बनेगा? नहीं, अशोक के ऐसे धर्म में से कर्म तो नहीं, अशोक के ऐसे नीति नियम तो नहीं। इसीलिए तो मुझे अशोक से प्रेम हुआ। अशोक के पास वो तेज दिमाग है, दिमाग की वो तेज धार है जो किसी और के पास नहीं। आज अशोक युवराज बना है तो अपने तेज दिमाग की वजह से, ना कि मेरी संपत्ति की वजह से। अशोक युवराज बना है तो अपनी बुद्धि की वजह से, ना कि किसी के छल की वजह से। आप सभी जानते हैं महाराज बिंदुसार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका हर एक अधिकार, उनका कार्यभार, पद, आसन, सिंहासन युवराज अशोक संभालेंगे। और ये ही मगध का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! हम नहीं मानते चुनाव को। छल हुआ है हमारे साथ और तुम सारे मंत्रियों ने हमारे साथ छल किया है और इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। अरे नर्क में मरोगे तुम सबके सब। राजकुमार सुसेन, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप हमें ज्यादा ना उकसाएं, वरना भरी दरबार में आपके काले चिट्ठे को खोल दूंगा। महाराज बिंदुसार अस्वस्थ हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और इसीलिए हम अब तक चुप थे। आपको क्या लगा कि आपने जिस वचन पत्र पर हस्ताक्षर किया है उसमें यह लिखा है कि अगर हमने आपको युवराज पद के लिए समर्थन किया तो आप हमें कीमत देंगे, आप हमें खरीदेंगे? नहीं राजकुमार, आपने जिस वचन पत्र पर हस्ताक्षर करवाया है उसमें यह लिखा है कि आप हमें हमारी सारी जमीन वापस करेंगे। हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस युवराज पद का निर्णय हो चुका है और हम इस निर्णय को चुनौती नहीं देंगे। कल विजय मुहूर्त में अशोक को युवराज पद पे विराजित किया जाएगा। मगध में उत्सव मनाया जाएगा और हम महारानी हेलेना आप सबको उस उत्सव में आमंत्रित कर दें। आइए और हमारे साथ उत्सव मनाइए। क्या हुआ कार्विकी, होश उड़ गए? हैरान हूं। हाँ, तुम्हें तो यही लगा होगा ना कि तुमने तो राजकुमार सुसीम को अशोक की सारी चालें बता दी थी, फिर ये चाल उल्टी कैसे पड़ गई? अशोक युवराज कैसे बन गया? तुम पे तो तरस आ रहा है। काश तुम्हें पता होता कि ये भी मेरी योजना है। या यूं कहूं, खेल भी मेरा, खिलाड़ी भी मैं। तुम केवल एक मोहरा, इतना सा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने ससुराल से धन संपत्ति ली और तुमने देख लिया? मैंने तुम्हें दिखाया।
जैसे मैंने तुम्हें सुशीम के पास पहुंचाया कि तुम जाओ सुशीम के पास और उसे बताओ मेरी योजना के बारे में, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही किया।